ओके जीत, अब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करना है लेंस एंड कैटरैक्ट, राइट। चलो इस चैप्टर में हमने बेसिकली सारा कुछ अबाउट कैटरैक्ट करना है, उसकी टाइप्स करनी है, फर्दर उनकी डिटेल्स करनी है, एंड देन इसकी ट्रीटमेंट, कैटरैक्ट की कॉम्प्लिकेशंस वगैरह करनी है, राइट। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है व्हाट इज कैटरैक्ट, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू लेंस बट क्या, ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है। कैटरैक्ट इज द ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, राइट। इट इज द ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई, हमारे आई में एक ही लेंस है ना, तो अगर उस लेंस की ओपेसिफिकेशन हो जाए उसको कहते हैं कैटरैक्ट, ठीक है। अब आगे इसकी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जो हमने करनी है। क्लासिफिकेशन हमने इसको फोर वेज में डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एज, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओपेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ ओपेसिफिकेशन, और एक आपके पास ये जनरल क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो हम जब बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, कंजेनिटल बाय बर्थ ये हुआ है, अगर आफ्टर बर्थ हुआ है विद इन फ्यू मंथ्स या तो ए फ्यू डेज तो हम इन्फेंटाइल कहेंगे, फिर उसके बाद जुवेनाइल आता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे में बच्चों में कन्वर्ट, मतलब बच्चों के एरियाज कवर हो गए, कंजेनिटल, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल, ठीक है। फिर एडल्ट है आपके पास, एडल्ट के बाद बंदा क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है, तो प्री सेनाइल एंड सेनाइल, ठीक है। तो ये याद करना काफ़ी ईजी है, कंजेनिटल है, इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल है, प्री सेनाइल, एडल्ट, प्री सेनाइल एंड सेनाइल। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, अभी लोकेशन कराने से पहले ना मैं आपको पहले बताती हूँ अबाउट, ये देखिए इसमें आपने ये देखना है, ये आपको एक लेंस है आपके पास, ठीक है, ये पूरा एक लेंस है, ये उसका इंटीरियर पोल है आगे की तरफ, ये उसका पीछे की तरफ पोस्टीरियर पोल आ रहा है, ठीक है, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर पोल है। अभी देखो ये एंटीरियर पोल पे आपको ये इसकी एपिथीलियम सिर्फ एंटीरियरली होती है, ये एपिथीलियम नज़र आ रही है, ठीक है, ये सारी इसकी एपिथीलियम है, राइट। फिर आपके पास ये एपिथीलियम ही क्या करती है, फाइबर्स, मतलब एपिथीलियम के सेल्स इलोंगेट होकर सारे फाइबर्स बनाते हैं। तो हमने ये सबसे पहले हमने इसके कैप्सूल बात कर लिया, ये एंटीरियर पोल क्या मतलब क्या था इसका, कि ये इसका कैप्सूल है, ये एंटीरियर की तरफ कैप्सूल है, ये आपके पास सारा पोस्टीरियर कैप्सूल है, राइट, तो ये कैप्सूल है। फिर आपके पास एपिथीलियम है, एपिथीलियम के साथ जो ये वाले फाइबर सारे होते हैं उनको हम कॉर्टिकल फाइबर्स कहते हैं, जो बिल्कुल ये एज पे परे होते हैं ना, ये बिल्कुल बीनीथ द कैप्सूल आर द कॉर्टिकल फाइबर्स। और जितने ओल्डर फाइबर्स होते हैं जो आके पुश होते जाते हैं टूवर्ड सेंटर, तो सेंटर में जाके सारे के सारे न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं। अपनी याद रखनी है कि ये इसके कैप्सूल एंटीरियर कैप्सूल है, या फिर पोस्टीरियर कैप्सूल, और कैप्सूल का सेंट्रल पॉइंट पोल होता है, ठीक है, और कैप्सूल के ये जो पीछे सारे फाइबर्स होंगे ये आपके पास कॉर्टिकल फाइबर्स होंगे, जो सेंट्रल फाइबर्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियर फाइबर्स कहते हैं। अगर आपको ये पता होगा देन आपको जो अभी मैं फर्दर आपको ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन कराऊंगी फिर आपको याद आएगा कि अगर हाँ ठीक है, अगर वो कैप्सूल का कैप्सूलर कैटरैक्ट है तो वो इस जगह पे कहीं होगा, कॉर्टिकल है तो वो कहीं इस जगह पे होगा आपके पास, ठीक है, सुपरा न्यूक्लियर है तो वो बिटवीन कॉर्टिकल और न्यूक्लियर फाइबर्स यहाँ कहीं होगा, ठीक है, अगर न्यूक्लियर है तो ये वाली चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, अगर टोटल कैटरैक्ट है पूरा का पूरा लेंस इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। ओके अब हम इस तरह बात कर लेते हैं, ये देखो अब हमने बात की थी सबसे पहले उसकी, मैंने आपको सारी डायग्राम दिखाई, अगर लोकेशन के लिहाज से वो कैप्सूल में भी हो सकता है, बीनीथ द कैप्सूल भी हो सकता है, कॉर्टिकल है, सुपरा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एंड टोटल कैटरेक्ट, ठीक है। अब तो समझ आ गई होगी कि ये अगर हमने लेंस बनाया है, ये सारा इसका कैप्सूल था, अगर इस एरिया में हो रहा है, अंदर आके बाद न्यूक्लियर फाइबर्स भरे हुए थे सारे, राइट, इस एरिया में हो रहा है तो वो कैप्सूलर होगा, इसके बिल्कुल बीनीथ हो रहा है तो वो सब कैप्सूलर है, यहाँ पे अगर सारा ये यहाँ पे सारा हो रहा है तो ये सारा क्या होता है, कॉर्टिकल एरिया होता है, राइट, अगर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लिया हो रहा है तो वो क्या होगा, सुपरा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फाइबर्स भी इन्वॉल्व होंगे, सारा हो गया तो वो टोटल कैटरैक्ट है, ठीक है। ओके जी ये आपके पास लोकेशन हो गई, अब आ गया डिग्री ऑफ ओपेसिटी, डिग्री ऑफ ओपेसिटी, डिग्री ऑफ ओपेसिटी के भी सिर्फ आप नेम कर लें तो इसके बाद मैं आपको इनकी डिटेल बता दूंगी, ठीक है, सिर्फ फिलहाल अभी आप इसके नेम्स ही याद कर लें, इनसिपियंट, ठीक है। डिग्री ऑफ ओपेसिटी के लिहाज से आपके पास पांच किस्म के कैटरैक्स हैं, ये इनसिपियंट, इमेच्योर, इमेच्योर के बाद क्या होगा, मेच्योर हो जाएगा, और मेच्योर के बाद कोई भी चीज़ हाइपर मेच्योर हो जाती है, राइट, एंड इंट्यूमिसेंट, इनसिपियंट, इमेच्योर, मेच्योर, हाइपर मेच्योर एंड इंट्यूमिसेंट। ओके अब आपके पास जो एक जनरल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कि कंजेनिटल हो सकता है,
ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड तब हो सकते हैं, अक्वायर्ड हो सकते हैं, तो ये इजी है, कंजेनिटल डेवलपमेंटल अक्वायर्ड। ठीक है, अब हमने सबसे पहले बात करनी है इन्हीं की, कंजेनिटल कैटरैक्ट की, डेवलपमेंटल कैटरैक्ट की और अक्वायर्ड कैटरैक्ट की, राइट। अब हम बात करते हैं अबाउट कंजेनिटल कैटरैक्ट। कंजेनिटल कैटरैक्ट वो वाला कैटरैक्ट होता है कि मतलब इसकी भी आपने डेफिनेशन अगर लिखनी है तो ऐसे ही लिखनी है, पैसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई, वही सारी डेफिनेशन होती है बाय बर्थ। ठीक है, ओपेसिफिकेशन तो है बट वो ओपेसिफिकेशन है एट द टाइम ऑफ, देखो वही आपने पहले सारी डेफिनेशन लिख दी है, पैसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द आई। अब आगे जो आपने जो लिखा लिखना है ना, वो लिखना है आपने प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जिस टाइम बच्चा पैदा हुआ अगर उस टाइम थी तो डैट मीन्स कि उस पेशेंट को कंजेनिटल कैटरैक्ट है। अच्छा, अब इस कंजेनिटल कैटरैक्ट की फर्दर ना क्लासिफिकेशन है कि अगर बच्चे का हुआ है उसमें फर्दर क्या, उसको कैसे कैटेगराइज आप करोगे। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ आपके पास पहले आ जाती है, ये कैप्स्यूलर हो सकता है पहली बात। ठीक है, हमने एक बात है एंटीरियर कैप्सूल पोस्टर, अब उसका सेंट्रल पॉइंट पोल था तो आपके पास ये पोलर कैप्सूल पोलर कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर हमने बात की सेंटर पर न्यूक्लियस वगैरह होता है तो आपके पास ये न्यूक्लियर कैटरैक्ट हो सकता है, राइट। फिर हमने बात की यहाँ पे सारे लैमेली थे ना, वो फाइबर्स वगैरह थे, तो उसको कलेक्टिवली कह देंगे कि इसको लैमिलर जो है वो कैटरैक्ट हो गया है। ठीक है, अब बच्चों में या कुछ एक दफ़ा कुछ ऐसा भी होता है कि एंटीरियरली या पोस्टीरियरली अगर आपने बच्चों को सूचर्स लगाया, कोई मसला था तो उसके लिए हमें सूचरिंग करनी पड़ी, तो सूचरल कैटरैक्ट भी हो सकता है, राइट। फिर आपके पास एक आता है सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट, सिर्फ नेम याद करने हैं आपने, और नेम याद करना कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको उसकी ऐसे डायग्राम पता होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर देख लो कि कैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकता है, सेंटर में पोल आ जाता है, न्यूक्लियर कैटरैक्ट या फाइबर्स हैं तो जोन्यूलर कैटरैक्ट या लैमिलर कैटरैक्ट, चार चीज़ें तो आपके पास पहले कवर हो गई। फिर आप देखो कि पेशेंट को सपोज कोई मसला था तो एंटीरियर और पोस्टीरियर में सूचर्स लगाए थे, आपके पास सूचरल कैटरैक्ट हो सकता है, फिर आपके पास सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट हो सकता है। जो सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट होता है ना, ये ग्लैक्टोसीमिया वाले पेशेंट में होता है जिनमें ग्लैक्टोज का लेवल ज़्यादा हो, तो ग्लैक्टोसीमिया वाले पेशेंट होता है। अब इसकी आखिरी और सेवन्थ नेम जो आपके पास कंजेनिटल कैटरैक्ट है, होता है जनरलाइज्ड। ठीक है, अब जनरलाइज्ड में आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, एक आपके पास आती है कोरोनरी, फिर आपके पास आ जाता है ब्लू डॉट, ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है मेम्ब्रेनस, और एक चीज आपके पास और है टोटल कैटरैक्ट। ठीक है, तो आपके पास कैप्सुलर था, पोलर था, न्यूक्लियर था, आपके पास लैमिलर था, आपके पास सूचुरल था, और आपके पास सेंट्रल ऑयल डॉपलर कैटरैक्ट, फिर आपके पास जनरलाइज कैटरैक्ट, फर्दर फोर टाइप्स हैं, टोटल हो सकता है, क्रोनरी है, ब्लू डॉट है, और आपके पास मेम्ब्रेनस कैटरैक्ट होता है आपके पास। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, मतलब ये क्यों होता है, कुछ मेटर्नल कॉजेज होते हैं, देखो इसके आपने जब कॉजेज बताने हैं ना, कुछ मेटर्नल कॉजेज हैं और कुछ फीटल हैं। ठीक है, मेटर्नल में तो एक तो बहुत कॉमन कॉज जो है वो हमें पता है क्या चीज़ होती है, अगर मदर को रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हो, ठीक हो गया, या देखो इंट्रायूट्राइन अगर हाइपोक्सिया हो जाए फिर भी बच्चे को ये हो जाता है, अगर मदर्स को का कोई एक्सपोजर हुआ है रेडिएशन पे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक कॉमन कॉमन हमने यहाँ पे जो है वो बतानी है, अगर रूबेला मोस्ट जो जहन में आता है हाइपोक्सिया आता है रेडिएशन, अगर वो ऐसे कोई ड्रग्स ले रही थी उसकी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, रेडिएशन थी, कोई ड्रग्स कौन से ले सकता है, अगर वो स्टीरॉइड्स ले रही है तो, राइट। एंड देन आपके पास अगर उसको कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर था जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो ये कॉमन कॉमन आपने याद रखना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाना। मदर को अगर रूबेला वायरस का इन्फेक्शन था, अगर उसको हाइपोक्सिया हो गया, अगर कोई ड्रग्स ले रही है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर है, ये एंडोक्राइन कोई डिसऑर्डर था। ठीक है, अब फीटल में क्या ऐसे कॉजेज आ जाते हैं, फीटल कॉजेज होते हैं आपके पास कि अगर उस ये एक तो सबसे पहले चीज़ है कि हेरिडिट्री है। ठीक है, उसको हेरिडिट्री हुआ है,
फिर उसको हो सकता है कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया हो, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी ये होता है, ठीक है। एक तो पहले के हेरिडिटरी था उसको हो गया, फिर क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मैलिटी हुई है, देन आपके पास उसका कोई ऑक्यूलर एनोमेली हो गई है। ऑक्यूलर एनोमेलीज लाइक एनरीडिया, एक आध चीज़ें याद रखो, कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता। एनरीडिया अगर उस पेशेंट को हो गया, प्लस ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर वो फोर्सेप्स डिलीवरी थी तो हो सकता है फोर्सेप्स की वजह से कोई इंजरी हो गई हो तो पेशेंट को वहाँ पे कैटरेक्ट डेवलप हो गया। तो सारी कॉमन कॉमन चीज़ें आपने दिमाग में लेके आनी, सबसे पहली बात कि कोई हेरिडिटरी डिसऑर्डर था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो थी ना कोई डिसऑर्डर हो गया था, या फोर्सेप्स डिलीवरी थी उसकी वजह से पेशेंट को इंजरी हो गई, या कोई ऑक्यूलर एनोमली थी, इसमें भी आप कोई एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डाल सकते हैं, गैलेक्टोसीमिया वगैरह, ठीक है। तो या पास कुछ मेटरनल कॉजेज हैं, कुछ फिटल कॉजेज हैं, मेटरनल में रुबेला, हाइपोक्सिया, रेडिएशन, ड्रग्स, एंडोक्राइन, फेटल में आपके पास हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल ऑक्यूलर एनोमली है, या फोर्सेप्स डिलीवरी हुई थी उस वजह से सब कुछ हो गया, या आपके पास एक अननोन तीसरी कैटेगरी आ जाती है, एक अननोन, कोई रीजन नहीं पता ना, मेटरनल कॉज भी नहीं था, फिटल कॉज भी नहीं था, उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक कैटरेक्ट, स्पोरेडिक कैटरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास, एक हमने बात की अबाउट सिंपल कंजेनिटल कैटरेक्ट। अब आपके पास आगे जो आता है ना उसे हम कहते हैं कंजेनिटल लैमिलर कैटरेक्ट, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है आगे, कंजेनिटल तो है और लेकिन वो लैमिलर कैटरेक्ट है। अच्छा, कंजेनिटल लैमिलर कैटरेक्ट क्या होता है? ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट कंजेनिटल लैमिलर कैटरेक्ट। कंजेनिटल लैमिलर कैटरेक्ट के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। ये कॉमन है, वेरी कॉमन टाइप होता है, बच्चों में होता है और ये बायलैटरल है हमेशा, ठीक है। तो वैसे तो जैसे कंजेनिटल है वो यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, बट आपके पास जो कंजेनिटल लैमिलर कैटरेक्ट होता है ना हमेशा बायलैटरल प्रेजेंटेशन होती है इसकी, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक है इसकी, ठीक है। डोमिनेंट वे में ये जो है वो ट्रांसफर होता है, और ये क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द इंसर्ट्स डैट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ लेंस फाइबर्स फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, मतलब फीटल पीरियड में, फीटल पीरियड में कोई ऐसी इंसल्ट हुई है आई में जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी डेवलपमेंट जो लेंस फाइबर्स की है वो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो गई है, मतलब अफेक्ट हो गई, जिसकी वजह से एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर जो कैप्सूल है इन दोनों के जो फाइबर्स हैं वो अफेक्ट होंगे, उनके सही से डेवलपमेंट नहीं होगी, तो आपके पास पेशेंट को क्या डेवलप हो जाएगा? कंजेनिटल लैमेलर कैटरेक्ट, ठीक हो गया। क्लिनिकल फीचर्स किन फीचर के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा? सबसे पहली बात है कि उसकी विजन कम होगी, क्योंकि बहुत एंटीरियर फाइबर्स भी इन्वॉल्व हैं, पोस्टीरियर कैप्सुलर फाइबर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास विजन तो बहुत ज़्यादा पेशेंट की कम होगी। देन ल्यूकोकोरिया, ल्यूकोकोरिया होता है आपके पास वाइटिश प्यूपिलरी रिफ्रैक्स। अभी इसकी ल्यूकोकोरिया की जो है डीडीज हैं वो आपका जो है ना एक एस सी क्यू क्वेश्चन है, वो भी अभी मैं आपको करवाती हूँ। तो वाइटिश प्यूपिलरी रिफ्लैक्स के पास पेशेंट स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करता है एंड निस्टैग्मस। द रीजन वीजन ल्यूकोकोरिया स्क्विंट एंड निस्टैग्मस, स्क्विंट बेसिकली आपका कन्वर्जन टाइप का होता है, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं इन पेशेंट की जब आपने लैब इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है, पहली बात आपने देखना है कि मदर को ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ इन वायरसेस का। टी से बनता है आपके पास टॉक्सोप्लास्मोसिस, आर फॉर रुबेला, ये सी फॉर साइटोमेगालो वायरस, और हर्पीज वायरस, ठीक है। आपके पास ये टॉक्सोप्लास्मोसिस है, आपके पास टी ओ, टॉक्सोप्लास्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालो एंड हर्पीज वायरस। फिर अपने यूरिन टेस्ट करवाने होते हैं उनके, सपोज अगर आपको है ग्लैक्टोसीमिया है तो उसके लिए हमने यूरिन टेस्ट करवाना है कि उसमें कोई रिड्यूसिंग एसिड्स या शुगर्स तो नहीं आते। देन ब्लड शुगर टेस्ट करवाना है, सीरम कैल्शियम लेवल्स, एक्सरे ऑफ स्कल एंड लोवे सिंड्रोम अगर पेशेंट को आपको हो रहा है कि है तो उसके लिए आपने यूरिन क्रोमैटोग्राफी करवानी होती है, राइट। तो टॉर्च टेस्ट आपने यूरिन जो पेशेंट मदर को यूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ इनका, फिर आपने ग्लैक्टोसीमिया के लिए यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, सीरम कैल्शियम, एक्सरे स्कल और लोवे सिंड्रोम के लिए आपने ये करना है। इन पेशेंट्स की ओनली ट्रीटमेंट दो किस्म के बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, को एक्स्ट्रा कैप कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन ये करेंगे, या लेंजेक्टमी कर सकते हैं, राइट। अब फर्दर हमने पढ़ना है अबाउट डेवलपमेंटल एंड अक्वायर्ड कैटरेक्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में।